अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूँ सुलेमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुद से खुदा तक। दोस्तों, ये एक ऐसा वजीफ़ा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अगर आप बुरी बीवी से या अगर आप बुरे शोहर से बचना चाहते हैं या चाहती है तो आपके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। बुरे ससुराल वालों से बेहतरीन वजीफ़ा है उनसे बचने के लिए और बुरे ससुराल से पना मांगने के लिए। दोस्तों, एक तो तकदीर की बात होती है, तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को भी बदल सकती है, हदीस का मफहूम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है, तो क्यों ना हम अपने तकदीर को जो वो तगैयुराती तकदीर है हम उसको बदल लें। उसको बदलने के लिए हमने दुआ करनी होगी, अल्लाह के दरबार में हमने आजी तवाज़ो खुशू खुजू से पेश आना होगा, तो फिर हमारी दुआ कबूल होगी। दोस्तों, ये बुरे ससुराल वालों से, बुरे शोहर बुरे बुरी बीवी से, उनसे बचने के लिए बेहतरीन, उनसे पना मांगने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा आपको बहुत ही कामयाब और बहुत ही मुजर्रब निकलेगा, इंशाअल्लाह आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه اضاعها اللهم اني اعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه اضاعها। तो दोस्तों, आपने इससे स्क्रीनशॉट लेनी है और हर नमाज के बाद अगर आपको ये याद नहीं होती है ऐसी ये दुआ, तो आपने स्क्रीनशॉट इससे लेनी है और उसके बाद आपने हर नमाज के बाद इसको 3 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप उस वजीफे को जारी रखें तो आपको फ़ायदा हो।